सर क्या कहलाना है आज की शुरुआत होती है जहाँ पर सीरत पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जाते हैं और सीरत पूरा सामान वहीं पर छोड़कर निकल लेती है और उसके दिमाग में वही ये बातें गूंज रही थी कैसे कार उसका हाथ पकड़ के वापस लेकर आया था और उसके आंखों पे आंसू आ जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर उसे रोकने की जगह यहाँ पर रिया और बार बार उसको ताने मार रही होती है और चुपके से वो रिंग पैर से उठाकर किचन में जाती है और विंडो से बाहर फेंक देती है और सोचती है कि मैं तो बच गई आज और ना पता नहीं क्या हो जाता। दूसरी तरफ सीरत और मावड़ी दोनों ही गाड़ी में बैठने के लिए वहां पर इंतजार करते हैं और सीरत मावड़ी को संभालते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ कार्तिक को यहाँ पर सोना समझाते हुए नजर आती है सभी घर वालों को, सीरत ऐसी लड़की नहीं है, हमें गुस्से में हम सारा कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन यहाँ पर मनीष कोई बात नहीं सुनने को तैयार नहीं होता और वहाँ पर वो उसे चला जाता है। कार्तिक भी बात नहीं सुनता और चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सोना की बातें गूंजती है कि वो लड़की गलत नहीं है। वो कार्तिक को भी समझ में आता है कि उसका सारा सामान यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, फिर उसने गलती नहीं की और वो मनीष को समझाने जाता है, लेकिन मनीष की कोई बात नहीं सुनता है। इतनी देर में कुछ देर बाद में वापस से कार आता है और वो रिंग लेकर आता है और दिखाता है कि कैसे किचन की विंडो के पास में उसको ये रिंग मिली है और उसके बाद में तो कार्तिक अपने आप को कोसते हुए नजर आता है और सोना कहती है कि उसके उस पर इल्जाम हमने गलत लगाया और उसके बाद में रिया कहती है कि तो उसने ज्यादा टाइम फेंक दी होगी, तो सोना कहती है कि अब तो तुम बंद करो ये नाटक और वहाँ पर सोना को बहुत गुस्सा आ जाता है उस रिया पर। तो उसी तरह दिखाया जाता है कार्तिक उसको रोकने के लिए भागता है, लेकिन तब तक सीरत वहाँ से जा चुकी होती है और वो पहुँच चुकी है जैसलमेर जहाँ पर दरवाजे पर वो केस का नाम लिखा है और लॉक लगा है। सीरत को कुछ नहीं सूझता, बस वो ताला तोड़ती है, मावड़ी को संभालती है और अंदर लेकर जाती है और मावड़ी कहती है कि मुझे बच्चे का बहुत बार बार ख्याल आ रहा है, जिसके बाद में मावड़ी वो कहती है हमारे पास में बहुत कुछ है सोचने को, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कार्तिक नायरा से बातें करते हुए नजर आता है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुम मेरी मदद करना और ये मुझसे क्या गड़बड़ हो गई। उसके बाद में उसको जैसलमेर की गाड़ी दिखाई देती है, अब वो उसको आइडिया लग गया कि वो कहीं जैसलमेर तो नहीं गई है, उसके पास तो पर्स वगैरह कुछ नहीं और कार्तिक को बहुत पूरी टेंशन हो जाती है और वो जैसलमेर के लिए निकलता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सीरत सुबह होती है और सीरत के सामने पुलिस होती है जो कि उनको गिरफ्तार करने आई है और आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पुलिस के साथ कार्तिक भी उसके पास साथ पहुंचा है, लेकिन उसको गलतफहमी हो जाती है कि कार्तिक ने उसको अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस बुलाई है, जबकि वो पुलिस तो उसके माँ बाप ने बुलाई है। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पर सीरत को छुड़ाने के लिए कार्तिक पहुंचेगा और अब कार्तिक कैसे मदद करता है सीरत की और वापस कैसे लेकर आता है ये सब कुछ दिखाया जाएगा। तो आगे एपिसोड की अपडेट भी आप तक पहुँचाते रहेंगे आपके फेवरेट सीरियल्स की। चैनल को सब्सक्राइब।